बेगमगढ़ के पीजी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने हाथों में मटका लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने विद्यालय की कई समस्याओं का समाधान किए जाने की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से ऐसे ही छात्र हितों में कार्य करता आ रहा है। टीकमगढ़ जिले का अग्रणी महाविद्यालय होने के बावजूद भी वहां पर सुविधाओं का बहुत अभाव है, जिसको लेकर महाविद्यालय इकाई द्वारा प्राचार्य एवं कॉलेज प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन किया गया, जिसमें महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष केतन अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने महाविद्यालय में सैनिटाइजर, वाटर कूलर, गर्ल्स कॉमन रूम व टॉयलेट की सफाई आदि की व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। इन सामान्य समस्याओं के लिए 3 दिन पूर्व ज्ञापन के माध्यम से प्राचार्य को अवगत कराया गया था, लेकिन प्राचार्य के द्वारा समस्याओं का निवारण नहीं किया गया, जिस कारणवश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पीजी कॉलेज इकाई द्वारा उग्र आंदोलन किया गया, जिसमें कॉलेज इकाई मंत्री यशस्वी सक्सेना ने बताया कि महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा हमेशा से कॉलेज की सामान्य सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसमें पीने के पानी की समस्या एवं छात्राओं को बैठने की समस्या आदि सामान्य समस्याएं हैं, लेकिन प्राचार्य एवं कॉलेज प्रशासन द्वारा इन समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है, जिसको लेकर प्राचार्य को मटके देकर स्वच्छ एवं शीतल जल की समस्या को लेकर अवगत कराया। वहीं कॉलेज प्राचार्य के द्वारा 48 घंटे का सभी मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर हार्दिक जैन, रोशनी सोनी, सत्यम गोस्वामी आदि लोग उपस्थित रहे। टीकमगढ़ से प्रीति मिनी खरे की रिपोर्ट।